हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिव टू लर्न में। टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर सेकंड लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लास फोर्थ मैथ्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यूनिट्स टू मेजर डिस्टेंस और लेंथ। हम डिस्टेंस या लेंथ को किलोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ व्हाइल मिलीमीटर इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। किलोमीटर लेंथ की या डिस्टेंस की सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है जबकि मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द बेटर यूनिट टू मेजर दीज, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। नीचे कुछ डिस्टेंस दिए गए हैं जो हमें मेजर करने हैं, आपको बताना है कि उनको मेजर करने की बेस्ट यूनिट कौन सी है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ ए नीडल। अगर हमें नीडल की लेंथ को मेजर करना है तो हम उसे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। हाइट ऑफ ए ट्री, मीटर में। डिस्टेंस द ट्रेन ट्रेवल्स, किलोमीटर में। लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच, मीटर में। लेंथ ऑफ ए स्ट्रो, सेंटीमीटर। हाइट ऑफ योर फ्रेंड, सेंटीमीटर और मीटर। लेंथ ऑफ ए 10 रुपी नोट, सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, किलोमीटर में हम मेजर करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। फर्स्ट, 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 4 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर है 400 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके 20 को ऐड करेंगे तो 320 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 12 मीटर 3 सेंटीमीटर, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 1203 हमारा आंसर आ जाएगा। 9 मीटर 16 सेंटीमीटर, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 प्लस करेंगे तो 916 हमारा आंसर आएगा। 16 मीटर, 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग टू मीटर्स, हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसीलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, 900 सेंटीमीटर, जब हम 900 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9 मीटर। 460 सेंटीमीटर, तो 460 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 4.6 मीटर, या 400 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर अलग अलग करेंगे, फिर 400 को 100 से डिवाइड करेंगे जो कि आएगा 4 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1325 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.25 मीटर हमारा आंसर आएगा। 3000 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 30 मीटर आंसर आएगा। 2500 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर आंसर आएगा। 563 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 5.63 मीटर हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू मीटर्स। इस क्वेश्चन में हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो उसके लिए हमें किलोमीटर में जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फर्स्ट, 9 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9000 मीटर।
6 किलोमीटर 6 मीटर, तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 करेंगे तो 6006 मीटर हमारा आंसर आएगा। 8 किलोमीटर 163 मीटर को जब हम चेंज करेंगे तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 163 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8163 मीटर। 17 किलोमीटर 43 मीटर, 17 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 43 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17043 मीटर। 11 किलोमीटर 11 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11000 मीटर हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टू किलोमीटर्स। इस क्वेश्चन में हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो उसके लिए हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था। इसमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फर्स्ट 5000 मीटर, तो 5000 मीटर को 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। 4580 मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.580 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 4000 प्लस 580 मीटर अलग अलग करेंगे, 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे प्लस 580 मीटर तो हमारा आंसर आएगा 4 किलोमीटर 580 मीटर। 9803 मीटर को जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 9.803 किलोमीटर। डी 9000 मीटर को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 किलोमीटर। 5800 मीटर को जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे और 1000 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड विदाउट कन्वर्जन। बिना कन्वर्ट किए हमें ऐड करना है। कॉलम मेथड का यूज कर सकते हैं हम इसमें, जिसमें यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस को, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस को, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस को लिखा जाता है और ऐड किया जाता है। फर्स्ट 148 मीटर 35 सेंटीमीटर में ऐड करना है, 326 मीटर 7 सेंटीमीटर। 148 मीटर 35 सेंटीमीटर के नीचे जब हम 326 मीटर 7 सेंटीमीटर लिखते हैं तो 7 सेंटीमीटर में टेंस प्लेस की जगह 0 आएगा। अगर हम 7 को आगे लिखेंगे टेंस प्लेस की जगह तो वो 70 हो जाएगा, इसलिए 7 यूनिट प्लेस पे आएगा और टेंस प्लेस पे आएगा 0। तो तब हम इसको ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, 1 कैरी, 3 और 1 4, 42 सेंटीमीटर, मीटर के नीचे मीटर लिख लेंगे, 8 प्लस 6 14, 4 लिखेंगे और ऊपर कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 प्लस 1 4, तो हमारा आंसर आएगा 474 मीटर 42 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम 48 किलोमीटर 208 मीटर में 35 किलोमीटर 60 मीटर को ऐड करेंगे और जब हम इसे ऐड करेंगे 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 0 6 एंड 2 प्लस 0 2, 268। हम इसमें किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखेंगे, मीटर के नीचे मीटर, 5 प्लस 8 13, 3 लिखेंगे कैरी 1, 4 प्लस 3 प्लस 1 8, तो हमारा आंसर आएगा 83 किलोमीटर 268 मीटर। जब हम किलोमीटर में किलोमीटर ऐड करते हैं तो किलोमीटर आता है, मीटर में ऐड करते हैं तो मीटर आता है, इसीलिए किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और मीटर के नीचे मीटर हम लिखते हैं। नेक्स्ट 63 किलोमीटर 425 मीटर में ऐड करना है, 90 किलोमीटर 863 मीटर, तो हम इसे कॉलम मेथड से ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी जाएगा, 3 प्लस 0 प्लस 1 4, 6 प्लस 9 15, तो हमारा आंसर आएगा 154 किलोमीटर 288 मीटर्स। सेम ऐसे ही हम 5 किलोमीटर
208 मीटर में ऐड करेंगे 7 किलोमीटर 107 मीटर, तो हमारा आंसर आएगा 12 किलोमीटर 315 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट विदाउट कन्वर्जन। जिस तरह से हमने ऐड किया है उसी तरह से हमें कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट करना है। 106 मीटर 108 सेंटीमीटर फ्रॉम 200 मीटर 9 सेंटीमीटर, तो 200 मीटर 9 सेंटीमीटर हम ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 106 मीटर 108 सेंटीमीटर लिखेंगे। 9 सेंटीमीटर है तो इसीलिए हम टेंस और 100 प्लेस पे जीरो लिखेंगे, तभी ये 9 रहेगा। तो तब हम इसे माइनस करेंगे, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 में से 1 हम माइनस नहीं कर सकते इसलिए आगे से कैरी लेंगे, तो 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 6 3, 9 में से 0 9 एंड 1 में से 1 0, तो हमारा आंसर आया 93 मीटर 901 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम 40 मीटर 93 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे 90 मीटर 8 सेंटीमीटर में से, और जब हम 90 मीटर 8 सेंटीमीटर में से 40 मीटर 93 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 49 मीटर 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 18 किलोमीटर 89 मीटर फ्रॉम 22 किलोमीटर 113 मीटर, तो 22 किलोमीटर 113 मीटर को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 18 किलोमीटर 89 मीटर्स, और जब हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4 किलोमीटर 24 मीटर। ऐसे ही हम 812 मीटर 18 सेंटीमीटर में से 420 मीटर 19 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 391 मीटर 99 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। हमें जो राइट आर्म है वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी बनानी है लेफ्ट आर्म से, तो लेफ्ट आर्म को हम स्केल से मेजर करेंगे और 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी राइट आर्म को ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट ड्रा ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। जो हमें कप गिवन है उससे 1 सेंटीमीटर शॉर्टर छोटा कप हमें ड्रॉ करना है, हम स्केल से उसकी हाइट मेजर करेंगे और 1 सेंटीमीटर उससे छोटा कप ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट इज ड्रा ए ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। जो पहली वाली ब्रूम हमें दी गई है उसकी आधी लंबी हमें नेक्स्ट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। जो सिर पे एक बाल दिया गया है उसके डबल हाइट का लेंथ का हमें दूसरा बाल ड्रॉ करना है, तो ये हम ड्रॉ कर लेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झुम्पा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर टॉल, दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, हाउ टॉल इज झुम्पा। झुम्पा ने जो सबसे लंबे लोगों की लिस्ट देखी उसमें सबसे लंबे थे 272 सेंटीमीटर के, जो कि झुम्का की हाइट के डबल थे। तो अगर उनकी हाइट झुम्पा की हाइट से डबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि झुम्पा की हाइट उसकी हाइट से आधी होगी। तो हम झुम्पा की हाइट निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 272 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 136 सेंटीमीटर। सो झुम्पाज हाइट इज 136 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ए 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। 100 मीटर रेस में अरुंधति सबसे आगे है, केवल 6 मीटर दूर है 100 मीटर से। बिहाइंड हर इज रेहाना, उनके पीछे रेहाना है। कोनकाना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, कोनकाना और उमा सबसे पीछे हैं। पिक्चर को देख के हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर करना है, और हमें अपने जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 मीटर 6 मीटर 10 मीटर 15 मीटर, इन्हीं में से अपने आंसर चूज करने हैं।
First, how far is Rihanna from Arundhati? Rihanna Arundhati se kitni dur hai? The distance of Rihanna from Arundhati is 3 meters. Rihanna aur Arundhati ke beech mein jo duri hai wo 3 meter hai. How far ahead is Rihanna from Konkana and Uma? Rihanna Konkana aur Uma se kitni aage hai? Rihanna is 6 meter ahead from Konkana and Uma. Rihanna Konkana aur Uma se 6 meter aage hai. How far are Konkana and Uma from the finishing line? Konkana aur Uma finishing line se kitni piche hai? Konkana and Uma are 6 plus 3 plus 6 yani ki 15 meters 15 meter finishing line se dur hain. Next question is, have you heard about a 1500 meter or 3000 meter race? Kya aapne kabhi 1500 meter aur 3000 meter race ke bare mein suna hai? You remember that 1000 meters make 1 kilometer, 1000 meter 1 kilometer bante hain and 500 meters make half a kilometer aur 500 meter milke aadha kilometer banate hain. First, in a 1500 meter race, people run dash kilometer. मतलब आपको 1500 meter को kilometer में convert करके बताना है. तो 1.5 kilometer हमारा answer आएगा. In a 3000 meter race, people run. 3000 meter में लोग कितना kilometer run करते हैं? 3 kilometer. Next question is, have you heard about marathon races in which people have to run about 40 kilometers? People run marathons on road because the track of a stadium is only 400 meters. जो मैराथन रेस होती है वो 40 किलोमीटर की होती है और लोग मैराथन को रोड पे इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि जो स्टेडियम का ट्रैक होता है वो केवल 400 मीटर का होता है. तो हमें क्वेश्चन का आंसर करना है, 10 राउंड्स ऑफ ए स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर. अगर 400 मीटर का जो ट्रैक है उसके 10 राउंड्स हम कंप्लीट करते हैं तो हम कितना किलोमीटर रन करेंगे. 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, जो लेंथ ऑफ स्टेडियम ट्रैक है वो 400 मीटर. तो 1 राउंड जब हम लगाते हैं तो हम 400 मीटर कवर करते हैं. जब हम 10 राउंड लगाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4000 मीटर. और जब हम 4000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इफ यू रन ए मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड. अगर आपको मैराथन एक स्टेडियम के अंदर लगाने को बोला जाए मैराथन कंप्लीट करने के लिए तो आप कितने राउंड्स में कंप्लीट करेंगे? हमें पता है मैराथन 40 किलोमीटर की होती है तो सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके. जब हम 40 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 40,000 मीटर्स. सो हमें पता है 1 राउंड जो हम स्टेडियम का लगाते हैं 400 मीटर का होता है तो नंबर ऑफ राउंड्स टू बी टेकन टू कंप्लीट द रेस विल बी 40,000 डिवाइड बाय 400. टोटल जो रेस है उसको हम 1 राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 100. सो इफ़ यू रन ए मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट 100 राउंड्स. नेक्स्ट, धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 meter 40 centimeter. गुरजीत इज सेकेंड, ही जंप इज 20 centimeter लेस देन धनुज. धनु की जो जंप है वो सबसे लंबी है 3 meter 40 centimeter. गुरजीत सेकेंड नंबर पे, उसकी जंप धनु से 20 centimeter कम है. गोपी कम्स थर्ड, ही जंप इज ओनली 5 centimeter लेस देन गुरजीत. जो गोपी है वो थर्ड नंबर पे आया है क्योंकि जो उसकी जंप है वो गुरजीत से 5 centimeter कम है. तो हमें गुरजीत और गोपी की जंप बतानी है कितनी लगाई उन्होंने. गुरजीत की जंप निकालने के लिए हमें धनु की जंप में से 20 centimeter को माइनस करना पड़ेगा जो कि होता है 3 meter 40 centimeter में से 20 centimeter. तो हमारा आंसर आता है 3 meter 20 centimeter. हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर 20 को माइनस कर देंगे. तो 340 centimeter minus 20 is equal to 320 centimeter. और जब हम इसे मीटर में चेंज करते हैं तो आंसर आता है 3 meter 20 centimeter. इसी तरीके से हम गोपी की जंप भी निकाल लेंगे. गुरजीत की जंप से 5 centimeter कम है तो गुरजीत की जंप से हम 5 centimeter को माइनस कर देंगे जो कि होता है 3 meter 20 centimeter minus
5 सेंटीमीटर। तो गोपी की जंप आई 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड दिए गए हैं इंडियन एंड वर्ल्ड। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर करने हैं टेबल में से रिकॉर्ड को देखकर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रापाल जंप टू इक्वल मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। चंद्रापाल को मेंस के हाई जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड को इक्वल करने के लिए कितने सेंटीमीटर और जंप करना पड़ेगा। हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं और जो मेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाई जंप का वो है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 45, तो हमारा आंसर आता है 245 सेंटीमीटर। और जो चंद्रापाल का हाई जंप का रिकॉर्ड है वो है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 17 जो कि होता है 217। तो अब मेंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड में से चंद्रापाल का रिकॉर्ड माइनस करेंगे, 245 माइनस 217, तो आंसर आता है 28 सेंटीमीटर। तो चंद्रापाल को हाई जंप के मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल आने के लिए 28 सेंटीमीटर और हाई जंप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। बॉबी ए को 2 मीटर की हाई जंप तक पहुंचने के लिए कितना और हाई जंप करना पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर। बॉबी ए की जो हाई जंप का रिकॉर्ड है वो है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 91 जो कि होता है 191 सेंटीमीटर। बॉबी ए को 2 मीटर की हाई जंप तक पहुंचना है, तो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होता है, 200 में से 191 माइनस करते हैं तो 9 सेंटीमीटर आता है, तो बॉबी ए को 9 सेंटीमीटर और हाई जंप करना पड़ेगा 2 मीटर तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट, गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली। गलीना की जो लॉन्ग जंप है वो किसके सबसे पास है, 7 मीटर 7.5 मीटर या 8 मीटर। गलीना का जो लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड है वो है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर जो कि सबसे पास है 7.5 मीटर के, तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। जो वुमेन के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनमें लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप में कितना डिफरेंस है वो बताना है। वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो हाई जंप का रिकॉर्ड है वो है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर और वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को माइनस करना पड़ेगा, और जब हम 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो जो डिफरेंस है लॉन्ग जंप और हाई जंप में वो है 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, If Mike P could jump 10 सेंटीमीटर longer, his jump will be full 9 meter. Mike P कितने सेंटीमीटर लंबा और कूदते हैं तो उनकी जो जंप है वो 9 मीटर की हो जाती है। तो माइक की जो जंप का रिकॉर्ड है वो है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर और 9 मीटर तक पहुंचने के लिए हम 9 मीटर में से 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं, और जब हम 9 मीटर में से 8 मीटर 95 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 5 सेंटीमीटर। तो अगर माइक भी 5 सेंटीमीटर और लंबा कूदते हैं तो उनकी जो जंप है वो 9 मीटर की हो जाती है, सो आंसर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। नेक्स्ट, Whose high jump is very close to 2.5 meter? ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें से किसकी जंप 2.5 मीटर के सबसे ज़्यादा पास है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो जेवियर एस है उनकी हाई जंप 2 मीटर 45 सेंटीमीटर की है जो कि सबसे क्लोज है 2.5 मीटर के, सो हमारा आंसर है सी जेवियर एस। नेक्स्ट, The doctor has told Devi Prasad to run 2 km every day to stay fit. He took one round of this field. How far did he
रन। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को हर रोज 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोला ताकि वो फिट रहें। तो देवी प्रसाद ने जो आपको फील्ड दिखाई दे रहा है इसका 1 राउंड लगाया, तो आपको बताना है कि वो कितने किलोमीटर उन्होंने रन किया। तो अगर वो इस फील्ड का 1 राउंड लगाते हैं तो कितना दौड़े वो, उसके लिए हम जो बाउंड्री हैं सबको ऐड करेंगे, 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर प्लस 500 मीटर, जो कि होता है 2000 मीटर। और जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो देवी प्रसाद रेन 2 किलोमीटर, उन्होंने 2 किलोमीटर की रेस लगाई। नेक्स्ट, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम सो ही चूज ए पार्क नियर बाय। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर्स लॉन्ग। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कम्प्लीट 2 किलोमीटर। जो वो फील्ड जिनका उन्होंने 1 राउंड लगाया था वो उनके घर से बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने अपने घर के जो पास एक पार्क है जिसकी बाउंड्री 400 मीटर है उसके राउंड लगाने शुरू कर दिए। तो आपको बताना है 2 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए वो कितने राउंड लगाएंगे पार्क के। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम जितना उनको कंप्लीट करना है 2 किलोमीटर उसे मीटर में चेंज करेंगे, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर्स। तो टोटल जो डिस्टेंस उनको कवर करना है उसको 1 राउंड में जो डिस्टेंस कवर करते हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो 2000 को हम 400 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5 राउंड्स। नेक्स्ट, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड्स। द डे ही रेन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर। एक दिन मौसम बड़ा अच्छा था तो उन्होंने 5 राउंड के बजाय 8 राउंड लगा दिए। तो आपको बताना है उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 8 राउंड में। अगर देवी प्रसाद पार्क का 1 राउंड लगाते हैं तो 400 मीटर की वो रनिंग करते हैं, अगर वो 8 राउंड लगाएंगे तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 को, जो कि होता है 3200 मीटर। और जब हम इसे किलोमीटर में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3 किलोमीटर 200 मीटर। तो देवी प्रसाद 8 राउंड में 3 किलोमीटर 200 मीटर की रनिंग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड विच इज 24 किलोमीटर्स अवे। मंजनी इज गोइंग टू थालासरे विच इज 46 किलोमीटर अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम थालासरे। सुबोध कोझिकोड जा रहे हैं जो कि 24 किलोमीटर है, मंजनी थालासरे जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है 46 किलोमीटर। तो आपको बताना है कोझिकोड से थालासरे के बीच की कितनी दूरी है या कितना दूर है। सुबोध और मंजनी जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक तरफ कोझिकोड है जो कि 24 किलोमीटर है, और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ थालासरे है जो कि 46 किलोमीटर है। अगर हमें कोझिकोड से थालासरे के बीच की दूरी निकालनी है तो हमें 24 प्लस 46 करना होगा जो कि होता है 70 किलोमीटर। 24 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। सो कोझिकोड से थालासरे के बीच की दूरी है 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड विद स्लीपर्स इन हिज हैंड्स। ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। नेक्स्ट, ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। देन ही केयरफुली क्रॉसिस द 40 मीटर्स वाइड रोड टू रीच द स्कूल। मोमुन बहुत दूर से स्कूल में आता है, पहले उसे 400 मीटर तालाब के साथ चलना पड़ता है, फिर 150 मीटर तालाब के अंदर से, फिर 350 मीटर हरे खेतों से, और फिर 40 मीटर का उसे एक रोड क्रॉस करना पड़ता है चौड़ा। तो स्कूल में पहुंचने के लिए उसे हर रोज कितना चलना पड़ता है, तो इसके लिए हम सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। 400 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 350 मीटर प्लस 40 मीटर, जो कि होता है 940 मीटर। मोमुन को हर रोज घर से स्कूल जाने के लिए 940 मीटर्स पैदल चलना पड़ता है। नेक्स्ट,
इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, जो मोमुन को हर रोज चलना पड़ता है 940 मीटर, क्या वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है? नहीं, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो 940 मीटर इज लेस देन 1000 मीटर्स, देयर फोर इट इज नॉट मोर देन 1 किलोमीटर। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बार बार देखें और चैप्टर को समझने की कोशिश करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी चैनल पे कोई नई वीडियो डाली जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। थैंक यू।